बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी गुजरात के नर्मदा दौरे पर हैं। मंगलवार को वो नर्मदा में बने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जायजा लेने पहुंचे थे। उनके साथ गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल भी मौजूद थे। लेकिन दुनिया के इस अजूबे का आनंद लेने से पहले ही अजूबा सुशील मोदी के साथ ही हो गया। हुआ यूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बने गैलरी से नजारा लेने के लिए लिफ्ट में सवार हुए, तभी पावर ड्रॉप हो गया और करीब डेढ़ मिनट तक डिप्टी सीएम 182 मीटर ऊंची इस स्टैच्यू के लिफ्ट में फंसे रह गए। सोचिए, इतनी ऊंची जगह अंधेरे में फंस जाना कितना खौफनाक होगा। लेकिन शुक्र है कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बाल बाल बच गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ। सुशील मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया का आठवां अजूबा बताया था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस आठवें अजूबे को देखने के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। लिफ्ट में फंसने पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि ये नॉर्मल है, पार ड्रॉप होना एक आम बात है। लेकिन अल्पेश ठाकुर के सवाल पर सुशील मोदी ने कहा कि उनकी बिहार आने की हिम्मत नहीं है, भारत में सबको अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर काम कर सकता है। लेकिन स्थानीय लोगों को प्राथमिकता जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लोग अगर गुजरात में काम करना बंद कर दें तो कारखाने भी बंद हो जाएंगे। और जो लाखों बिहार के लोग यहाँ के कल कारखानों में काम करते हैं, अगर वो कल कारखानों में काम करना बंद कर दें तो महाराष्ट्र गुजरात के बहुत सारे कल कारखाने बंद हो जाएंगे।